कि कोई भी पिता अपनी बच्ची नूं इह शब्द नहीं कह सकता। भाई संतोख सिंह ने जिक्र किया, कहिंदे ने कर इशनान सतगुरु थिरे, इशनान करके बैठे ने गुरु अमरदास पातशाह, पानी आए दर्श को करे। बीबी पानी जी ने आके पिता जी का दर्शन किया, पिखत न जाको श्री कृपाल, श्री मुख ते बोले तत्काल। छेती नाल अपनी बच्ची नूं वेख्या ते रसना तो एक बचन कह दिता है। वो बचन केड़ा मेरे साहब जी? कहिंदे ने कहन लगे, रामदास जो तन पर है कहो पुत्री तब क्या तू करे। कहन लगे, मेरी ये बचिए दस, जे तेरा पति रामदास ना रवे ते तू की करेंगी। अमृत वेले पातशाह जी ने बचन कह दिता, जे तेरा पति रामदास ना रवे ते तू की करेंगे। पानी चतुर बात सब जानी, कब हूं ना होए कूड़ पित बानी। बीबी पानी जी समझ गए कि पिता जी दी गल त्रै काल सत है, कदे झूठ नहीं हो सकती। ते बीबी पानी जी बड़े स्याणे सन, उन्होंने कीता कि शीघ्र ही नक नाथ उतारे, श्री पित के तब तरी अगारे। जेड़ी उस वेले दी सुहाग दी निशानी सी ना, वो ला के ते पिता जी दे चरणा विच रख दिती, गल विच पल्ला पा लिया, ते रसना तो जेड़े बोल कहिंदे ने, हे पित अबर कार क्या करहूं, जो विधवा को धर्म सो धर हूं। कहन लगे, मेरे पिता जी मैं की करना है, मैं तो ओही करांगी ना जेड़े एक विधवा दा धर्म है, मैं ओदा ही पालन करांगी। ते धन गुरु अमरदास पातशाह जी कहन लगे, मेरी ये बचिए तू इस सुहाग दी निशानी पा लै, पिता जी आप ही लुहाई जे ते हुण मैं पा किवें लवां। पहला लुहाई क्यों जे? ते मेरे साहब जी गुरु अमरदास पातशाह जी कहिंदे ने, तब सतगुर ए बचन बखाने, सुन पुत्री समत महाने। मेरी गल नूं ध्यान नाल हुण सुनी, रामदास की बैया बनाई, पूर्ण हो ते आज दिन माही। कहन लगे, मेरी ये बचिए तेरे पति रामदास दी उम्र केवल अज दा दिन है, अज तेरे पति दी उम्र पूरी हो जानी है। ते फिर पातशाह हुण क्यों आखदे हो कि सुहाग दी निशानी पा लै? पातशाह जी हुण की कृपा करोगे? कहन लगे, मेरी ये बचिए मैं तेनूं तां आखदा कि तेरे भाणे दी अजे जगत नूं बड़ी लोड़ पैणी है। जिहड़े तूं भाणे विच रहण दी गल कीती है ना, इहदी अजे संसार नूं बड़ी लोड़ है। और गुरु सवारियो, इह मां भानी दा ही भाणा सी जिहड़ा तत्ती तवी ते बैठ के भी गीत गा रहा, तेरा किया मीठा लागै हर नाम पदार्थ नानक मांगै। इह मां भानी दा ही जिगरा सी जिसने कह दिता दिल्ली दे चांदनी चौक विच के बाएं जिन्ना दी पकड़ी है सिर दीजे बाएं ना छोड़िए। ए मां पानी दा जिगरा सी जिसने कह दिता इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार। और ए मां पानी दा सबर सी जिन्ना ने छोटी उम्र विच नीह विच खलो के गल कही सी कि असी डोलदे नहीं, असी थिड़कदे नहीं, सानू बहुत जमाने अजमाया होया है, असी मौत विचो जीवन लभदे हां, अर्जन गुरु ने सबक सिखाया होया है। ये मां भानी दा जिगरा सी। बचिए तू तेरे भाणे दी जगत नू लोड़ है। ते कहन लगे पातशाह, फिर हुण करोगे की? बीबी भानी जी पुछदे ने, ते मेरे साहब जी कहन लगे, आपणे आर बलाया बदेओ, पुन पर लोक गमन को ले। कहन लगे, हुण मैं अपनी रहिंदी उम्र तेरे पति रामदास नू दे के ओदे थां ते मैं आप परलोक गमन करांगा। कई
किंतु बाज अज सवाल करते ने जी ऐसा किवें हो सकता है। पर प्यारिओ ए वड़ी उच्चा होवे कोए तिस उच्चे को जाने सोए। जेड़ा उच्चा होवेगा उस नूं इस गल की समझ आ सकती है दूजे नूं नहीं। पर जिहड़ी गल मैं करनी चाहना ख्याल करियो, सवाल यह पैदा होया कि पातशाह जी तुहानूं ते रहिंदी उम्र भी दे गए ते तुसी कहिंदे हो मैं अपने गुरु तो बिना जिउंदा नहीं रह सकता, फिर गुरु अमरदास पातशाह जी तो बगैर तुसी किवें जिंदा रहे? एक सवाल खड़ा हो गया। ते मेरे साहब जी फिर अगलियां पंक्तियां विच जवाब भी देंदे ने। पातशाह जी कहिंदे ने मैं सतगुर सेती पिरहड़ी क्यों गुर बिन जीवा माओ, मैं गुरबाणी आधार है गुरबाणी लाग रहाओ। कह लगे मेरे जीवन दा आधार मेरे गुरु दी बाणी है, ते जिन्नी देर गुरु अमरदास पातशाह दी बाणी मेरे कोल है दुनिया दी कोई भी ताकत मेरे गुरु तो मैनु वख नहीं कर सकती। ये बाणी ही गुरु है, ये शब्द ही गुरु है। तो सतगुरु जी कहिंदे ने कि मैं अपने गुरु तो बलहार जांदा हां सदके जांदा हां जिस गुरु दी कृपा दे नाल उस मालिक दे नाल सांझ पैंदी है। मन रे हर कीरत तर तारी, हे मन उस मालिक दी सिफत सलाह कर ते ओदी सिफत सलाह दे नाल ही इस भव सागर तो तरिया जा सकदा। सत संगत विच आ ओदी सिफत सलाह कर मेरे माधो जी, सत संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया सूके कास्ट हरिया। तुसी रोज पातशाह दी बाणी पढ़दे हो। अगलियां पंक्तियां विच मेरे साहब जी बख्शिश कर रहे हन, गुरमुख नाम अमृत जल पाईऐ जिनको कृपा तुम्हारी। गुरु दी शरण विच पैण दे नाल ए नाम रूपी अमृत दा जल प्राप्त हुंदा है। पर साहब जी कहिंदे ने हरेक नूं नहीं, हे वाहिगुरु जिदे ते तुसी कृपा करो जिनको कृपा तुम्हारी, जिन्ना ते तुहाडी कृपा हो जाए उन्हां नूं ए नाम दी दात प्राप्त हुंदी है। रहाओ सनक सनंदन नारद मुन सेवहे अन दिन जापत रहे बनवारी। कहिंदे ने सनक सनंदन वर्गे नारद मुन वर्गे कहिंदे ने एक किस तरह उस भव सागर नूं पार कर सके, उस मालिक नूं सिमरदे ने उस मालिक दी सिफत सलाह करदे ने। ते सिफत सलाह ये नहीं कि साडे वांगू फर्ज पूरा कर लिया कि 10 मिनट बैठ के ते जपजी साहब दा पाठ कर लिया मुड़ के चेता ही ना आया सारी उम्र इन्ना धंधे विच गवाच गया कि मालिक दा चेता ही ना आया सारा दिन उसे तरह लंघ गया। नहीं, साहब जी कहिंदे ने कि सनक सनंदन नारद मुन सेवे अन दिन जपत रहे बनवारी। कहिंदे ने उह दिने रात हर वेले उस मालिक दी सिफत सलाह विच जुड़े रहिंदे ने, उन्हां दे स्वास स्वास विच उस मालिक दी याद वसी रहिंदी है। सरनागत प्रहलाद जन आए तिन की पैज सवारी। भगत प्रहलाद वर्गियां दा पातशाह जी जिक्र पै करदे ने, कहिंदे ने जेड़े उस मालिक दी शरण विच आ गए उन्हां दी आप उस मालिक ने इज्जत रख ली। हर जुग जुग भगत ओ पाया पैज रखदा आया राम राजे, हर नाकश दुष्ट हर मारिया प्रहलाद तराया। उसने प्रहलाद भगत दी लाज रख ली। ते गुरु सवारियो कबीर साहब दी लाज भी उस मालिक ने रखी। कारण की है कि उहदा शब्द हिरदे विच वस गया। ते जिहदे हिरदे विच शब्द वस जांदा है ना, शब्द कदे भी डोलण नहीं देंदा। बाणी प्रभ की सब को बोले आप अडोल ना कबहू डोले, वो नहीं कदे भी डोलण देवेगा और ना ही कदे डुबण देंदा है।
गुर का बचन बसे जी नाले जल नहीं डूबे तस्कर नहीं लेवे पाए ना साके जाले। ऐसी गुरु कृपा कर दे अपने भगतां दी इज्जत आप रख दे अपने प्यारियां दे सिर ते हाथ रख दे पर किन्ना दे जेड़े ओदे हो जांदे ने जेड़े ओनू याद करदे ने स्वास स्वास उन्हां नू कदे भी डुबण नहीं देंदा उन्हां दी हमेशा ही आप लाज रख लैंदा है। अलख निरंजन एको वरता एका ज्योत मुरारी। अलख तो भाव है जिसनू लख्या नहीं जा सकता। अलख एक हुंदा है वेखना लखना एक हुंदा है अलख वो परिपूर्ण परमात्मा नजर नहीं आउंदा कारण की है कि वो कोई व्यक्ति नहीं वो ते शक्ति है वो प्रकाशमान है और वो शक्ति सारे थावां ते व्यापक है सारे थावां ते वो ज्योत पसर रही है सब में ज्योत ज्योत है सोए तिस दे चानन सब में चानन होए गुरसाखी ज्योत प्रगट होए वो ज्योत हरेक दे विच व्यापक है। ते साहब जी कहिंदे ने अलख निरंजन निरंजन जेड़ा माया दी कालख तो रहत है निर अंजन अंजन कहिंदे ने कालख नू ते निरंजन जेड़ा माया दी कालख तो रहत है एको वरत है वो सारे थावां ते आप व्यापक है एका ज्योत मरारी ते उस परमात्मा दी ज्योत सारे थावां ते व्यापक है। सब जाचिक तू एको दाता मांग हे हाथ पसारी। हे वाहिगुरु सारिआं नूं दातां देण वाला तू ही है सारे तेरे दर ते मंगते ने तू सारिआं नूं दातां देना है। गुरु सवारिओ एक गल चेते रखियो जे कोई बंदा किसे नूं देवे ना तो दे के फिर जतांदा है बार बार कि मैं तेनू दिता जे मैं तेनू ना देंदा ना तो तू आज इस मुकाम ते नहीं सी होना उसनू बार बार जताया जाएगा और फिर ये भी आस ला के बैठा हुंदा है कि जे मैं तेनू दिता है तो हुण तू मैनू की देवेंगा पर वो मालिक ऐसा नहीं वो दे के कदे पछतांदा भी नहीं कदे जतांदा भी नहीं और कहिंदे ने कि इन्नी कु बख्शिश करदा है इन्नी कृपा करदा है कि बहुता कर्म लिखिया ना जाए जे कोई ओदियां बख्शिशां लिखण लग पवे ना ते लिखिया नहीं जा सकदियां बहुता कर्म लिखिया ना जाए वड्डा दाता तिल ना तमाए एडा वड्डा दाता ते कदे तिल जिनी तमा नहीं रखदा कि जे मैं दित्ता है ते तू की देवेंगा ये बंदे दा ही सुभाअ है साडा एक सुभा है कि असी जिदे कोलो रोज मंगने हैं ना जे उन्हें साडियां झोलियां भर दित्तियां ते उहदे विचों किते असां गुरु दे घर विच सेवा कर दित्ती ते फिर बंदा आप दाता बन के बैठ जांदा है कहिंदा जी मैं दान कीता है गुरु नूं असी कदे नहीं सोचिया कि दान लैण वाला ते भिखारी हुंदा है ते दान देण वाला दाता बन गया जिस गुरु कोलो मंगिया उहदे दर ते ही मनुख कहिंदा जी मैं गुरु नूं दान दे रहा। समा बड़ा सीमित है एक विद्वान ने बड़ी सुंदर बात कही है वो कहिंदे ने तुम खुद ताल बे सद जोरो जफा बनते हो दीदा ए दनिस्ता मसाइब की बना बनते हो कहिंदे ने प्यारिया तू अपनिया मुसीबतां दी जड़ आप ही बनना है। पूछिया क्यों कहिंदे ने तुम खुद ताल बे सद जोरो जफा बनते हो दीदा ए दनिस्ता मसाइब की बना बनते हो करने को तो हर काम कर देता है खुदा मुश्किल तो यह है कि तुम खुद खुदा बनते हो बंदा तो आप ही रब बन के बह जाता है। साहब जी कहते ने नहीं वो दाता है दद्दा दाता एक है सबको देवन हार देंदे तोट ना आवी अगंत भरे भंडार ओदा भंडारा कदे मुकदा नहीं देंदा दे लेंदे थक पाहे जुगा जुगंतर खाई खाए खाण वाले ते थक जाणगे पर ओदे भंडारे कदे नहीं जे मुकदे एडा वड्डा वो दाता। ते साहब जी कहिंदे ने सब जाचक तू एको दाता मांगे हाथ पसारी सारे तेरे अगे हाथ अड के मंगदे ने और सारिआं नूं दाता देण वाला भी तू ही है। भगत जना की उत्तम बाणी गावे अकथ कथा नित न्यारी जेड़े रब दे प्यारे ने उन्हां दी बाणी भी अनमोल हो जांदी है।
उन्हां दी बाणी भी उन्हां दे बोल भी उत्तम हो जांदे ने। भगत जना की उत्तम बाणी गावे अकथ कथा नित न्यारी। वो कथा जेड़ी अकथ है उस मालक दी जिदा स्वरूप कोई नहीं, उस दी अनोखी कथा नू प्रभु दे प्यारे जदों गायन करदे ने ते उन्हां दे बोल भी अमोलक हो जांदे हन। सफल जन्म भया तिन केरा, पाप करे कुल तारी। ओ रब दे प्यारियां दा जन्म सफला हो जांदा है, उन्हां दा संसार विच आउणा सफला हो जांदा है। किन्हां दा सफल सफल पई सफल यात्रा, आवन जान रहे मिले साधा। उन्हां दी यात्रा सफल हो गई जेड़े आया सफल ताहू का गणिए, जास रसन हर हर जस भणिए, जेड़े रब दे प्यारे रसना दे नाल उस मालिक दी सिफत सलाह करदे ने उन्हां दा आउणा सफल हो गया। ते साहिब जी कहिंदे ने उह आप ते तर जांदे ने, केवल आप ही नहीं तरदे, उह दूजिआं नूं वी तार दिंदे ने। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਨਮੁਖ ਦੁਬਿਧਾ ਦੁਰਮਤ ਬਿਆਪੇ, ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਮੋਹ ਗੁਬਾਰੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਚਿੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈ ਗਏ, ਤੇ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। कुछ सोते में कट गई, कुछ गनाहों में कट गई, कुछ रोते में कट गई, कुछ आहों में कट गई। मंजिल पे चलने वाले मंजिल पे जा लगे, राहें बदलने वालों की राहों में कट गई। जेड़े रोज ही रस्ता बदलते रहे ना, आज उदे जाके डेरे ते मथा टेकिया, परसों दूजे दे जा टेकिया, कहिंदे ने ओह कदे भी मंजिल ते नहीं पहुंच सकते। तुसी पढ़िया पिछले महीने विच, इसे महीने विच साहिब जी कहिंदे ने भादोए भरम भुलाणिया दूजे लगा हेत। जेड़े दूजिया दे नाल संसार दे नाल प्यार पा के बैठ गए, भरम विच पै के उस निरंकार नालों सांझ तोड़ लई, कहिंदे ने लख शिंगार बनाया कारज नाहीं केत। जिन्ने मर्जी शिंगार बनांदे फिरिए पर वो किसे भी अर्थ नहीं आउंदे, जे उस मालिक दे नाल ही सांझ ना पई। हर के नाम बिन सुंदर है नकटी, नकटी कहिंदे ने कटे हुए नक वाले नूं, ज्यों बेसवा के घर पूत जन्मत है तिस नाम परयो है त्रकटी। कहिंदे ने जिवें बेसवा दे घर पुत्र जमे न ते उहनू बाप दा नाम नहीं दिता जा सकदा। इसे तरह जिन्ना मर्जी कोई सुंदर होवे, जे मालक दा नाम नहीं ना हिरदे विच ते उह सब तो क्रूप गिणिया जाएगा। मेरे पातशाह जी बख्शिश करदे ने कि जिहड़े दुबधा विच ने मनमुख बंदे, मनमुख दुबधा दुरमत व्यापै, उहनां नू भैड़ी मत ऐसी व्यापदी है। साहब जी बख्शिश करते ने जिन अंतर मोह गबारी, उन्हां दे अंदर माया दा गबार भाव हनेरा छाया रहिंदा है और इस हनेरे विचों बाहर नहीं निकल सकते। संत जना की कथा ना पावे, ओए डूबे सन परवारी। उन्हां नूं रब दे प्यारियां दी गल किथे चंगी लगदी, ओह ते नेड़े बैठदे ही कोई नहीं। जिनके मन कठोर है इस बहे ना सतगुर पास, वो गुरु दे नेड़े नहीं बैठ सकते। और कहिंदे ने जेड़े पापी बंदे ना, उस नू उस मालिक दी पूजा बंदगी नहीं चंगी लगती। उहदा ते हाल यह है कि माखी चंदन पर हरै जे बिगंद तै जाए, वह ते जिथे गंदगी होवेगी ना उथे जाके बैठणगे। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੀ ਉੱਤਮ ਬਾਣੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਕਥਾ ਨਾ ਭਾਵੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ। ਉਹ ਆਪ ਤੇ ਡੁੱਬਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਡੁੱਬੇ ਸਣ ਪਰਿਵਾਰੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਟੰਬ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਡੁੱਬਦੇ ਹਨ। ਨਿੰਦਕ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਮਲ ਧੋਵੈ, ਉਹ ਮਲ ਪਖ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਵੇਂ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮੈਲ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੀੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਫ਼ ਦੀਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਛੇਕ ਹੀ ਲੱਭਣਾ।
कि मैनू किसे तरह इथों कोई शेक लभ जाए। अमृतमय दुध है पर चिचड़ दा काम की वह दुध ते नहीं पींदा, वह ते थणा दे नाल लग्या वी खून ही चूसदा रहिंदा है। यही निंदक दा भी कर्म है। पर साहब जी कहिंदे ने कि वह निंदक बंदा वह अपना जीवन बर्बाद कर लैंदा है। और साहब जी कहिंदे ने निंदक निंदा कर मल धोवै, वह दूजिया की मैल धोंदा ते आप वह मैल खांदा है, आप मैला खांदा है निंदक बंदा। संत जना की निंदा वे आपे, ना उरवार ना पारी। वो रब दे प्यारियां दी निंदिया करद्या करद्या उहदी इह अवस्था बन जांदी है कि वह इस भव सागर दे विच्चों ना ते उरार ही रहिंदा है ना पार ही रहिंदा है। ऐसा बंदा विच्चे ही डुब के खत्म हो जाता है। एहो पर पंच खेल किया सब करता है, हारे करता है सब कल तारी। पर कहिंदे ने यह जो सारे जगत खलारे विच जो खेड वरताई है ना, यह उस मालिक ने आप ही वरताई है। और अपनी कला अपनी सत्या ही उसकी हरेक थां ते व्याप रही है। हर एको सूत वरतै जुग अंतर, सूत खिंचै एकंकारी। और इस जगत विच कहिंदे ने इस जगत नूं उस मालिक ने इको धागे विच ही परो के रख्या होया है। और जदों उस धागे नूं खिंच लैंदा, जिवें असी पढ़ने हैं साहब की बाणी, तो पातशाह जी कहिंदे ने एक है सूत परोए मणिए, गाठी पिन 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 तनिए, विच अनेक गंढा दे के उन्होंने वख वख रखिया होया उस माला दे मणकिया नू। पर पातशाह जी कहिंदे ने कि जदों फिरती माला बहुविध पाए, बड़े प्यार दे नाल ओ माया माला फेरी जा रही है, पर खिचिया सूत आई था है। उस दे विचों कि सूत्र कढ लिया जाए तो वह मणके सारे इको थां ते इकट्ठे हो जाते हैं। इस तरह ही वह मालिक का यह सारा पसारा है। पर जदों अपनी शक्ति नूं विचों कढ लैंदा जिहदे नाल यह मनुख जोत दे नाल चल फिर रहे ने, जब उद करख करा करतारा प्रजा धरतब दे अपारा, जब आ करख करत हूं कब हूं तुम मैं मिलत दे तर सब हूं, जदों अपनी शक्ति नूं संकोट लैंदा है ते सारे फिर उहदे विच मिल जांदे हन। रसन रसन रस गावे हर गुण, रसना हर रस तारी। रसन रसन कहिंदे ने प्यार दे नाल, जदों रब दे प्यारे उस मालिक दी सिफत सलाह प्यार दे नाल करदे ने, और उन्हां दी रसना उस मालिक दे गीत गांदियां उस नाम रस नूं चखदी है। नानक हर बिन अवर ना मांगो, हर रस प्रीत प्यारी। हे नानक आख, हे परिपूर्ण परमात्मा, मैं तेरे कोलों होर कुछ भी नहीं मांगदा, मैं क्या मांगू किछ थिर ना रहाई। कहिंदे ने बाकी ते कुछ भी सदा रहण वाला नहीं, मैं होर कुछ भी नहीं तेरे कोलों मांगदा, फिर तेरे कोलों मांगदा की हां। कहिंदे ने कि हे वाहिगुरु मेरे ते किरपा कर, नानक हर बिन अवर ना मांगो, हर रस प्रीत प्यारी, मैनू हरी दे नाम दे रस दी प्रीत दी बख्शिश कर दिओ, नाम दा रस मैनू मिल जाए उहदे नाल प्यार बन जाए। पात साहिब प्रभु दे प्यारे ते इत्थों तक कहिंदे ने, उह कहिंदे ने राज ना चाहो मुक्त ना चाहो मन प्रीत चरण कमलारे। कहिंदे ने मैनू राज भाग नहीं चाहिदा, हे वाहिगुरु मैनू मुक्ति भी नहीं चाहिए, ते की चाहिए। कहिंदे ने बस तेरे चरणा दे नाल प्रीति बन जाए, तेरे चरणा दे नाल प्यार बन जाए। सतगुरु जी रहमत करन बख्शिश करन, साडा भी उस मालिक दे नाल प्यार बन जाए, उस मालिक दी बाणी नूं हिरदे विच वसाईए, तां कि इस भव सागर तों असीं भी पार हो सकीए। जन्म मरण दा जो गेड़ है वह मुक जाए, ये अरदास बेनती पातशाह जी दे चरणा विच कमलां विच करिए, उहदी किरपा दे नाल ही ये जन्म मरण दा गेड़ मुक सकदा है। धन्यवाद, कोटान कोट धन्यवाद।
धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का धनवादी हाँ। समूह प्रबंधक जना का श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का मानयोग सिंह साहब ज्ञानी जगतार सिंह जी हैड ग्रंथी सचखंड श्री हरिमंदर साहब समूह सिंह साहबान का भाई साहब जी का जिन्ना बड़े प्यार दे नाल बाणी सरवण कराई है सब संगतां दा हार्दिक तौर ते धन्नवाद। आओ इस मुबारक हुक्मनामे दी आखरी पंक्तियां रल के पढ़िए जी। रसन रसन रस गावे हर गुण रसना हर रस तारी नानक हर बिन आवर न मांगो हर रस प्रीत प्यारी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।